पवन कुमारन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर और राइटर हैं, जिन्हें हम बेसिकली कनाडा और उसके साथ साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए जानते हैं। इन्होंने अपने डायरेक्टर करियर की शुरुआत विष्णुवर्धना नाम की मूवी से की थी, जो मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। तो आज हम इस वीडियो में डायरेक्टर पवन कुमारन की कनाडा लैंग्वेज में हिट और फ्लॉप मूवीज के बारे में जानेंगे और इनका करियर एनालिसिस करेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर वन, विष्णुवर्धना। इस मूवी का डायरेक्शन किया था पवन कुमारन ने। यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में कीचा सुदीप, भावना, प्रिया मणि हमें दिखाई दी थी। मूवी 2011 में रिलीज हुई थी और 7.2 की एमडीबी रेटिंग वाली इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कलेक्शन किया और कलेक्शन के हिसाब से यह एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। नंबर टू, चारुलता। इस मूवी का डायरेक्शन भी किया था पवन कुमारन ने। मूवी की लीडिंग स्टार कास्ट में प्रिया मणि, एस अशोक और सीता दिखाई दी। मूवी 2012 में रिलीज हुई और 5.5 की IMDb रेटिंग प्राप्त हुई थी और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई और यह मूवी बेसिकली थाई मूवी का आधिकारिक कनाडा रीमेक थी। नंबर थ्री, जयललिता। मूवी का डायरेक्शन किया था पवन कुमारन ने। मूवी में शरण, दिशा पांडे और ऐश्वर्या देवन दिखाई दी। मूवी 2014 में रिलीज हुई और 6.9 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और एक एवरेज फिल्म साबित हुई। यह मूवी भी मलयालम मूवी का रीमेक थी। नंबर फोर, तिरुपति एक्सप्रेस। इस मूवी का डायरेक्शन किया पवन कुमारन ने। मूवी में सुमंत, शैलेंद्र, कृतिक हरबंदा और अशोक दिखाई दिए। मूवी 2014 में रिलीज हुई और 5.8 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई और यह मूवी भी बेसिकली तेलुगु मूवी का आधिकारिक रीमेक थी। नंबर फाइव, राजा राजेंद्रा। मूवी का डायरेक्शन किया पवन कुमारन ने। मूवी में शरण, इशिता दत्ता और विनाला रमन दिखाई दिए। मूवी 2015 में रिलीज हुई और 5.6 की IMDb रेटिंग वाली यह मूवी कलेक्शन के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। नंबर सिक्स, यह जमाना। इस मूवी का डायरेक्शन किया वी हरी कृष्णा और पवन कुमारन ने एक साथ। मूवी के लीडिंग स्टार कास्ट में चैलेंजिंग स्टार दर्शन, रश्मिका मंदना, तान्या होप दिखाई दी। मूवी को 8.7 की IMDb रेटिंग प्राप्त हुई। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 18 करोड़ और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया 60 करोड़ का और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इसी के साथ ही कनाडा लैंग्वेज में यह पवन कुमारन की डायरेक्ट की गई अभी तक लास्ट मूवी साबित हुई है और आने वाले समय में हमें पवन कुमारन तमिल मूवी गोलमाल को डायरेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था कनाडा डायरेक्टर पवन कुमारन का हिट और फ्लॉप कंप्लीट वर्डिक्ट। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबाना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम मिलते हैं जल्दी आपको एक और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बन रही हैं हमारे साथ। धन्यवाद।